अच्छा सुनो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करो मेरी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम भारती। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेस्ट एलोवेरा हेयर मास्क फॉर एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ के लिए। ये 100% नेचुरल है, इसमें मैं कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ इंक्लूड नहीं करूंगी। और ये एलोवेरा हेयर मास्क हेयर की ग्रोथ में हेल्प करेगा, हेयर को में शाइन लाएगा, फ्रिजी हेयर को स्मूथ बनाएगा और स्कैल्प से डैंड्रफ को रिमूव करेगा। आप इस पैक को ओनली एक बार यूज़ करेंगे ना, तो फ़र्क आपको एक बार में ही दिखेगा। हेयर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होंगी आपकी, इस हेयर मास्क को यूज़ करके वो सारी रिमूव हो जाएंगी। आप इसको वीक में एक बार यूज़ करेंगे और फ़र्क आप खुद देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव सब लोगों के साथ शेयर भी करना। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना मेरी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, हेयर पैक बनाने के लिए मैं यहाँ पर फ्रेश एलोवेरा ले रही हूँ और मैं इसको पहले पानी से वॉश कर लिया है। और एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फ्रेश एलोवेरा में जो येलो कलर का लिक्विड निकलता है, आपको उसको हटा देना है, क्योंकि वो हमारी स्किन हो या फिर हेयर हो, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें जब भी आप फ्रेश एलोवेरा यूज़ कर रहे हैं तब। उसके बाद मैं इस तरह से कट कर ले रही हूँ और जो वाइट कलर का जो ट्रांसपेरेंट पल्प है, केवल हम लोगों को वही लेना है इस हेयर पैक को बनाने के लिए। आपको फ्रेश एलोवेरा जेल ही यूज़ करना है। मैं इस एलोवेरा को इस तरह से छील के इस तरह से मैंने टुकड़े कर लिए हैं और अब मैं ग्रेट कर लूँगी। आप अगर चाहें तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं मिक्सी में नहीं पीसूँगी, मैं इसको केवल ग्रेट कर रही हूँ। और इस तरह से देखिए, इसका जो ट्रांसपेरेंट पल्प है पूरा अच्छे से निकल आया है। और अब मैं इसमें 4 चम्मच के करीब दही ऐड कर रही हूँ। दही फ्रेंड्स गाढ़ा ही लेना है, पतला दही नहीं लेना है। और ये मैं अपने हेयर की लेंथ के हिसाब से दही ले रही हूँ। आपके अगर हेयर लंबे हैं तो आप ज़्यादा दही भी ले सकते हैं, छोटे हैं तो आप कम दही भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं हनी ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच के करीब, मैंने 3 चम्मच के करीब लगभग हनी लिया हुआ है। हनी भी आपको अपने हेयर की लेंथ के हिसाब से ही लेना है। और इसमें मैं 1 चम्मच बड़ा सा भर के ग्लिसरीन ऐड करूँगी इसमें। और फ्रेंड्स, लास्ट में इसमें इस पैक में मैं कोकोनट ऑयल ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पर वर्जिन कोकोनट ऑयल ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, वर्जिन कोकोनट ऑयल ही हेयर के लिए लेना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 2 चम्मच के करीब मैं कोकोनट ऑयल लूँगी। और फ्रेंड्स, इस पैक को आपको अच्छे से मिक्स करना है, जितनी भी चीज़ें इसमें मिली हैं वो एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इस तरह से आपको कुछ हेयर पैक बना लेना है और ये हमारा हेयर पैक बनकर रेडी है। और फ्रेंड्स, अब मैं इसको अपने हेयर में अप्लाई करूँगी। सबसे पहले मैं कॉम की हेल्प से अपने हेयर को सुलझा ले रही हूँ और अभी आप हेयर की कंडीशन देख सकते हैं। मैं इसको कई बार अप्लाई कर चुकी हूँ तो इतने मेरे ख़राब हेयर नहीं हैं, लेकिन ये है कि अभी सुलझे हुए हैं और मैंने बालों की पार्टीशन कर लिया है। और अब मैं हैंड की हेल्प से इस हेयर पैक को अपने हेयर पे अप्लाई करूँगी। आप अगर चाहें तो ब्रश की हेल्प से भी इस हेयर पैक को अप्लाई कर सकते हैं। आप जिससे भी कंफर्टेबल हों, आप उस हिसाब से अपने हेयर पे, स्कैल्प में, हेयर की ग्रोथ में, सब जगह पर आपको इस तरह से इस हेयर पैक को अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, इसमें मैंने फ्रेश एलोवेरा जेल मिलाया हुआ है जो हेयर की ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करता है, स्कैल्प से ईचिंग को रिमूव करता है, बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और बालों को गिरने से भी रोकता है। फ्रेंड्स, इसमें मैंने दही मिलाया हुआ है। दही में एंटी फंगल गुड़ पाए जाते हैं जो स्कैल्प से डैंड्रफ को रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है और हेयर में शाइन प्रोवाइड करता है। फ्रेंड्स, इसमें मैंने हनी मिलाया हुआ है। हनी कंडीशनर का वर्क करता है। हनी का अगर रेगुलर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको कंडीशनर लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बालों को शाइन बनाने में काफ़ी हेल्प करता है, हेयर की ग्रोथ में भी हेल्प करता है हनी।
और फ्रेंड्स ग्लिसरीन मिलाया है, दो मुहे बालों को होने से रोकती है, स्कैल्प में नमी बनाए रखती है, और जिनके अगर घुंघराले बाल हैं अगर ग्लिसरीन का रेगुलर अगर आप यूज़ करेंगे तो उनके बाल सीधे भी हो जाएंगे। तो ग्लिसरीन इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा है। और सबसे लास्ट में मैंने कोकोनट ऑयल मिलाया हुआ है फ्रेंड्स। कोकोनट ऑयल हेयर की ग्रोथ में हेल्प करता है, पतले हेयर को घना बनाने में काफ़ी हेल्प करता है, और बालों को हेल्दी बनाने में कोकोनट ऑयल का बहुत बड़ा रोल है। और फ्रेंड्स हेयर में आपको जब भी कोकोनट ऑयल यूज़ करें तो वर्जिन कोकोनट ऑयल ही यूज़ करें, वो हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और देखिए बात करते ही करते पूरे हेयर पे मैंने हेयर मास्क अप्लाई कर लिया है। देखिए इस तरह से पूरे स्कैल्प में हेयर की लेंथ में अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया है, और एक मैं बन बना लूँगी। और उसके बाद आपको एक घंटे के लिए इस पैक को अपने सर पर छोड़ना है, और आपको शैम्पू करना है, कंडीशनर नहीं करना है फ्रेंड्स। आप एक बार में ही फ़र्क देखेंगे। जो पैक बचा हुआ है उसको मैं अपने बालों में अप्लाई कर रही हूँ, और एक घंटे बाद मैं हेयर को वॉश करके फिर आपसे मैं मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैं हेयर को वॉश करके और आ गई हूँ, और मेरे बाल सूख चुके हैं, और आप देख सकते हैं, देखिए मैंने कुछ भी कंडीशनर नहीं लगाया है, और बाल देखिए कितने शाइन कर रहे हैं और सीधे भी हैं, बाल काफ़ी हेल्दी लग रहे हैं, बालों में बाउंस भी है। इसका रेगुलर यूज़ करने से इस पैक का आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। एक हेयर पैक से आपके हेयर से जितनी भी प्रॉब्लम होंगी वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। इसका रेगुलर यूज़ करें, हफ्ते में आप एक दिन यूज़ कर सकते हैं, आप फ़र्क एक बार में ही देखेंगे। फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हो, आप इस पैक को ज़रूर ट्राई करें, और मेरे साथ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको हेयर पैक ये कैसा लगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। तो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।